नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। अपने तीन पेपर हैं वो लग चुके हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। आशा करता हूँ आप सबका एकदम पेपर अच्छा गया होगा। अब लास्ट पेपर है, इनमें मैंने बहुत मेहनत की है, पूरा एकदम से अलग करके क्वेश्चंस को किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं वो सारा एकदम से इकट्ठा करके ये गेस्ट पेपर तैयार किया गया है। तो बस प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये फ़ायदेमंद हो तो लाइक करना और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो इनके जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, जो एकदम से पढ़ चुके हैं और नहीं पढ़ा है तो आप लोग इनको देख लेना। साथ में ये भी बता देता हूँ कि कहीं भी किसी भी प्रकार की यूनिवर्सिटी के आपको नोट्स चाहिए तो अपने जो नंबर नज़र आ रहे होंगे ये नंबर अपने यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, 9071715, ठीक है? तो 500 यूनिट का निचोड़ है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इन क्वेश्चन को नोट कर लेना, लास्ट तक वीडियो देखना, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो अपनी जो यूनिट फेस्ट है उसके अंदर जो टॉपिक चलते हैं अपने सोइल एनालिसिस और वाटर एनालिसिस, इनमें कौन किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट निकल के आता है सोइल के अंदर, मैंने निकाला है वो है सोइल मॉइस्चर मेजरमेंट। यहाँ पे ये है, नोट कर लेना, मॉइस्चर है ये, MOSTURES, मॉइस्चर, ठीक है? सोइल मॉइस्चर मेजरमेंट, या इसको हम ये भी बोलते हैं मॉइस्चर इक्विवेलेंट ऑफ सोइल, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसके बाद में आता है वाटर का, बड़ा वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आ जाता है बड़े वाले में वाटर ऑफ एनालिसिस, यानी पूरा डिटेल से बताना होता है, ये बड़ा वाला क्वेश्चन है। और इसके बाद में बड़ा वाला क्वेश्चन यहाँ पे सोइल ऑफ एनालिसिस, तो इन दोनों में से पूछ सकता है ये। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को सोइल वाला करके चले जाना, ठीक है? सोइल एनालिसिस। इसके बाद में यहाँ पे जो निकल के आते हैं इनके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वो ये आया है सम करेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ वाटर एनालिसिस, यानी इनकी बीच क्या विशेषताएं हैं वाटर एनालिसिस की, वो आपको बतानी है, ठीक है? तो ये इतने क्वेश्चन हैं अपनी फर्स्ट यूनिट के, तो इन क्वेश्चनों को नोट कर लो, ठीक है? और इनको तैयारी करो, अभी आपके पास टाइम है। पता है आपको मेरे तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसकी वजह से मैं नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश की मैंने बनाया ये। और साथ में मेरी कोचिंग भी चलती है तो उसका टाइम है 8 से 8, यानी 1 घंटे के बीच में आते हैं, उसमें ये वीडियो बना रहा हूँ। सोचा कि थोड़ा आप लोगों को पढ़ लें, तो आप इतनी में आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आप तो इतना करना ही, आपको शेयर करना है, लाइक करना है, शेयर सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, बस इतना ही काम है आपका और कुछ नहीं है, ठीक है? आपके फ़ायदेमंद हो तभी, अगर नहीं फ़ायदेमंद हो तो आप मत देखा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब आगे देखो वोल्टमीट्री यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यानी जो क्वेश्चन है वोल्टमीट्री का वो ये है। और इसमें आपको क्या क्या करना है, लीनियर पोटेंशियल स्वीप, मैं क्या बोल रहा हूँ, लीनियर पोटेंशियल स्वीप वाला यहाँ पे पूरा का पूरा ये करना है। एक अपना यहाँ पे अल्टरनेटिंग से क्वेश्चन है, उसमें क्या है साइक्लिक पोटेंशियल स्वीप। तो ये इतने जो हैं जो क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड यूनिट का, तो नोट कर लो, इसको नोट डाउन करो सभी। अब आता है अपना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है यहाँ से पूछते हैं और यहाँ से ये यूनिट है जो क्वेश्चन मतलब नंबर बना के देती है आपको, एकदम अपना बढ़िया वाला नंबर यहाँ से निकल जाते हैं आपके। इसमें कूपमान थ्योरम हो गए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी के अभी कर लो इसको, 100% आने की संभावना है इस बार। फिर इसके जो बेसिक प्रिंसिपल है किसके, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के, वो बताने हैं। इसके बाद में अगार इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये करना आपको। फिर फोटो एकोस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ये, और गैस फेज PAS, ये इंपॉर्टेंट है गैस PAS, ये कर लेना आप लोग, ठीक है? कंडेंसेशन सिस्टम्स, और इसके बाद में अप्लीकेशन PAS की, ये इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। क्या है सरफेस एप्लीकेशन ऑफ PAS, याद कर लो मैं क्या बोल रहा हूँ, सरफेस एप्लीकेशन ऑफ PAS। फोटो आयनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, और एक ये इंपॉर्टेंट है, और एक ये इंपॉर्टेंट है, इतने क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरे एक अपना ये कूपमान है, ठीक है? ये इतने मैंने इनके बता दिए। अब अपनी जो चौथी यूनिट है उसमें क्या करना है, उसमें एकदम छोटी सी, उसमें ये है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक FTIR, बस इतना ही करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है, बस AGC है।
फिर पांचवी यूनिट के अंदर देखो कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें, ये देख लो इसका ये इंपॉर्टेंट वैसे यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। बड़ी ज़बरदस्त यूनिट है कि यहाँ पे यह है वीरल इक्वेशन, ये माने LED इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन ऑफ गैसेज एंड बिफ्योर, ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन गैसेज बिफ्योर फेज। एक एडवांटेज बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन के, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन के एडवांटेज बोल सकते हैं। उसके बाद में मैग्नेटिंग स्कैटरिंग हो गई, फिर स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड है, तो मतलब आपको बताना है कि वे जो न्यूट्रॉन है उनमें जो सॉलिड और लिक्विड उसकी स्कैटरिंग कैसी होती है वो बतानी है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ टेक्निक, तो यहाँ पे मेजरमेंट टेक्निक में कौन सी टेक्निक है जो काम में ली जाती है वो टेक्निक इसमें बतानी है। एक अपना यहाँ पे क्या है देखो, एलोक्टिशंस ऑफ स्ट्रक्चर मैग्नेटिकली ऑर्डर ऑफ यूनिट सेल के लिए यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो निकल के आते हैं। तो एक बार देखो, मैं एक आपको एक बताना भूल गया था, इसमें आपको कैलकुलेशन से क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, वो कौन सी है कि डिटर्मिनेशंस ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम, तो यहाँ पे किस तरह से होती है ये मैं अपने नोट्स में दे रखा है एकदम से, ये रहा अपना पूरा के पूरे डिटेल से, ये जो आप हैं करके जाने वाले हो इन क्वेश्चनों के एकदम जितने भी क्वेश्चन हैं इनको एकदम अच्छे तरीके से की गई है एकदम तैयार। ये अपना यहाँ से केमिकल सब्सटेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे ये सब्सटेंस से क्वेश्चन है जो मैंने बताया ना सम करेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ वाटर एनालिसिस का, तो यहाँ पे ये करके आ जाना इतना, ये इतना पूरा ये यहाँ पे, ठीक है पूरा ये दे रखा ना केमिकल इसके करेक्टरिस्टिक, तो इसमें ये इसका कलर बताने हैं, इसके जो ऑर्डर है वो बता देना है और ये सारी डिटेल से बता देनी है आपको इसमें, ठीक है। और उसके बाद में ये एनालिसिस ऑफ सॉइल का आ गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो निकल के आता है। फिर इसकी फेज वगैरह दे रखी है एकदम से सारी की सारी सारी, तो ये देखो वोल्टमीटरी से ये इतना डिटेल से समझाएगा, इस तरह से इसका डायग्राम वगैरह दे रखा। ये था अपना मैंने बताया था ना यहाँ पे वोल्टमीटरी अल्टरनेटिंग करंट किस तरह से शो करना है, तो ये यहाँ पे ये करके जाना आपको, ठीक है। और दिखा देता हूँ मैं आपको, और वेरी इंपॉर्टेंट तो जो टॉपिक्स हैं वो निकल के आते हैं, ये बड़े वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये पिछले सिलेबस का ये अब की नहीं है। आपको जो कैलकुलेशन का जो निकल के आता है ना वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और उसको करके जाना आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम और पोटेशियम की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं तो वो क्वेश्चन आपको करके जाना है, और किस तरह से करता है देखो अभी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि बड़ा सिलेबस है इसी के वजह से, थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिएगा। ये देखो ये अपना फोटो आयनाइजेशन प्रोसेस, ये दिख रहा होगा आप लोगों को फोटो आयनाइजेशन प्रोसेस, एक ये अगर AUGER अगर फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक है अपना फोटो अकॉस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखो कितनी बार पूछा गया है इसे, 2014, 2012, 2009 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इस तरह से हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स अपने यहाँ पे नोट्स के। ये कंडेंसेंट सिस्टम के लिए अभी भी बताया था ना इनकी केमिकल एप्लीकेशन क्या होती है, तो ये एप्लीकेशन है इसकी PAS की पूरी, अभी PAS से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, मैंने बताया था ना गैस मॉनिटरिंग बाय PAS 2009 के अंदर ये पूछा गया था, ये देख लो पूरा डिटेल से। उसके बाद में शुगर एप्लीकेशन ऑफ PAS की, सरफेस एप्लीकेशन ऑफ PAS की ये दे रखा है पूरा, ये लो पूरा का पूरा एकदम डिटेल से एकदम बढ़िया तरीके से तैयार किया गया एकदम नोट्स। तो जिनको भी चाहिए एकदम इनके क्वेश्चन आंसर तो वो आप लोग मेरे को अपने जो नंबर है अपने ये नंबर 9057715 45 पे आप मेरे को मैसेज या कॉल या मैसेज कर सकते हैं और ये PDF ले सकते हैं, और नोट्स हैं जो अपने चार्जेबल रहने वाले हैं। तो आज का ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, इनको याद कर लो अभी के अभी सारे के सारे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।